गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम श्री कृष्ण की पावन नगरी मथुरा वृंदावन। सो भाई, मैंने सोचा कि अब यहाँ रुके ही हैं तो क्यों ना दर्शन भी कर लिए जाएं। सो बस रेडी हो गया हूँ और दर्शन के लिए जा रहा हूँ। पहले मंदिर जाऊँगा, फिर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाएंगे और बस भाई ऐसे ही चल रहा है सब। आप लोगों के प्यार और दुआओं से देखो जगह जगह घूम रहा हूँ और आपको भी दिखा रहा हूँ। सो, गर्मी तो है यार मथुरा के अंदर, समझ नहीं आ रहा इतनी गर्मी क्यों है जबकि तब बारिश भी हुई है। और मैंने आके होटल में जो है उनसे पूछा, मैंने यार भाई इतनी गर्मी हो रही है, तो बोले भैया यहाँ बारिश होने के बावजूद भी इतनी गर्मी है। सो लेट्स सी, चलिए चलते हैं, रेडी हो गया फटाफट से दर्शन करके आते हैं और आपको गोवर्धन पर्वत भी दिखाते हैं। सो उससे पहले बड़ों को नमस्ते, छोटो किसी और साथ वालों को टाइट वाली झप्पी। तो जी, मथुरा के अंदर जो है ना लाइट का बहुत ही बड़ा वाला प्रॉब्लम है, बार बार लाइट आती है जाती है आती है जाती है। कल स्टेशन पे भी वही चीज़ हो रही थी, होटल में वही चीज़ हो रही थी। चलो होटल में तो ये चीज़ अच्छी है कि इनके पास जनरेटर है, बैकअप है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए फटाफट लेके चलते हैं आपको दर्शन के लिए। तो भाई राधे कृष्ण। सो स्टार्ट किया है हमने अपना टूर श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा से। आइए आपको लेके चलते हैं। और देखो मैं तो रंग गया हूँ पूरा मथुरा के रंग में। तो भाई फिलहाल मैं हूँ श्री कृष्ण जन्म स्थान पर और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये द्वार है और कैमरा और मोबाइल्स कुछ भी अंदर अलाउड नहीं है, तो सॉरी आपको अंदर के दर्शन नहीं कर पाऊँगा। तो फिलहाल आए हैं क्लॉक रूम में और ये मेरे पीछे आप देख रहे हो क्लॉक रूम है, जहाँ पर आप अपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको यहाँ पर लॉकर में रख के जाना पड़ेगा, आपको अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है। तो चलिए फटाफट लॉकर में रखते हैं गैजेट्स को और फिर अंदर जाते हैं। ओके, सो दोस्तों दर्शन काफ़ी अच्छे रहे मेरे और अंदर सिर्फ आपको एक 10 रुपये का टिकट लगेगा जो कि झांकियाँ देखने के लिए और चलित झांकियाँ देखने के लिए वो टिकट लगता है। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं अंदर घूमने के लिए। कारावास भी देखा जहाँ पे श्री कृष्ण लला का जन्म स्थान है और टाइम लगेगा आपको 1 घंटे का टाइम, तो यहाँ निकाल के आइएगा क्योंकि 1 घंटा आपको अंदर पूरा एक्सप्लोर करने के लिए मंदिर 1 घंटे का टाइम लगना है। और भाई यहाँ का समोसा ज़रूर खाइएगा अंदर, 15 रुपये का एक समोसा है पर बहुत ही टेस्टी है, पनीर वनीर डाल के बनता है, तो उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो पहुँच चुके हैं गोवर्धन पर्वत और यहाँ परिक्रमा लगाने के लिए हमने लिया है ई रिक्शा। जो हमारा रिक्शा है उसको पीछे खड़ा कर दिया क्योंकि इसके आगे ई रिक्शा ही जाते हैं। तो भैया कहाँ कहाँ घुमाओगे आप, कहाँ कहाँ घुमाओगे भैया हमको लेके? वांगे बोलोगे परिक्रमा, परिक्रमा। हाँ, सो राधे बोलो। सो बोलो राधे राधे। तो भाई एक बार की बात है, एक समय की जब भयंकर बारिश हुई थी और कृष्ण जी ने अपनी लिटिल फिंगर छोटी उंगली पे ये पूरा पर्वत उठा लिया था। अब अंदर जाना तो अलाउड नहीं है क्योंकि अंदर पूरी फेंसिंग करके उसको बैरिकेड कर दिया है, पूरा बंद कर दिया है। अदरवाइज़ पहले जब एक बार मैं आया था यहाँ की बहुत किस्सा हो गया था हमारे साथ। मैं और आशु आए थे, आगरा जा रहे थे, आशु स्कॉर्पियो में सो रहा था मेरी और मैंने पूरे पर्वत की परिक्रमा लगाई रात को और उसने भी सोते सोते लगाई ली मेरे साथ में। वो काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर जो पैदल नंगे पाँव परिक्रमा लगा रहे हैं इस पर्वत की। हमारे पास थोड़ा टाइम कम है इसलिए हम रिक्शा से परिक्रमा लगा रहे हैं। भाई फिलहाल जा रहे हैं गिरिराज जी मुखारविंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए टेंपल, जो परिक्रमा करने के बाद आता है। परिक्रमा पूरी 14 किलोमीटर की होती है और इस तरह का मार्केट है हमारी। राधे 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 भैया राधे श्याम। भाई 14 किलोमीटर वाली परिक्रमा जो है हमारी हो गई पूरी और अब हम आए हैं 11 किलोमीटर वाली परिक्रमा में और फिलहाल जो है जा रहे हैं राधा कुंड की तरफ।
सो पहली जो परिक्रमा थी उसमें गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा होती है, और दूसरी जो परिक्रमा है 11 किलोमीटर वाली, उसके अंदर कुंड आते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये था श्री राधा कुंड, और जस्ट पीछे ही है श्री श्याम कुंड। हो चुके हैं बाकी भी हरी मंदिर, और कुछ इस तरह का है ये रास्ता। तो चलते हैं फटाफट और दर्शन करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ी ठंडक लग रही है, बाकी रास्ते पर तो भयंकर गर्मी लगी है आज। हो गए दर्शन, और बहुत अच्छे रहे दर्शन, मतलब जिस तरह से भीड़ थी, दर्शन बड़े आराम से हुए। और फिलहाल खा रहे हैं ये आलू टिक्की, भूख लग रही है इसलिए, और दर्शन करके ना बहुत दिल खुश हो गया यार। जितनी भीड़, जितनी लंबी भीड़ में खड़े थे ना, हम पता ही नहीं चला जब अंदर गए, इजीली सब पूरे दर्शन हुए और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। श्रृंगार तो आज का बहुत ही अच्छा हुआ था। बाकी अंदर पूरी चांदी का वर्क कर रखा है, चांदी का जो भी पूरा अंदर इंटीरियर है वो चांदी का है। काफ़ी देर तक रहा मैं वहाँ पर, और बस यार मन प्रसन्न हो गया है, पेट को प्रसन्न करते हैं। दोस्तों, सो पहुंच चुके हैं प्रेम मंदिर, और आप मेरे पीछे देख रहे हो, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है प्रेम मंदिर। अब अंदर तो रिकॉर्डिंग है या नहीं वो तो मुझे पता नहीं, पर आप बाहर से देख लो। ऑलराइट दोस्तों, सो पहुंच गया हूं होटल, और भाई गर्मी ने तो जान निकाल के रख दिया यार, मथुरा की गर्मी आए हाय हाय। बस राधे राधे करते हुए सफ़र अच्छे से कट गया, सारे दर्शन बढ़िया हो गए, और बस एक चीज़ रह गई यार। हो सकता सोचा था कि आपको प्रेम मंदिर भी दिखाऊं, पर अलाउड नहीं है ना कैमरा, क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छा है प्रेम मंदिर यार, अगर आप लोग आ रहे हो ना वृंदावन, मैं तो कहूँगा एक बार वृंदावन आओ और देखो। बाकी बिहारी जी के भी दर्शन इतने प्यारे हुए, प्रेम मंदिर तो इतना शानदार है ना, मतलब आप अपनी फैमिली के साथ आओ और घुमाओ उनको वहाँ पे, बहुत अच्छा लगेगा उनको। सो भाई अब बस खाना ऑर्डर कर दिया है, खाने में आज कुछ नहीं मंगाया है, मात्र दाल और चावल मंगाए हैं। दाल चावल खाते हैं, प्रभु के गुण गाते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि कल का जो सफ़र है ना लंबा होने वाला है। मथुरा से इंदौर की जो डिस्टेंस है कुछ 700-750 किलोमीटर के करीब दिखा रहा है, और बीच का जो पैच है वो तो आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा मेरा, कितना ख़राब पैच है, जो ग्वालियर से पहले आता है, शिवपुरी के बाद और ग्वालियर के बीच में आता है, तो वो तो बहुत ही गंदा पैच है, उसमें पिछली बार 1.5 घंटा लग गया था। तो सोच रहा हूँ कल सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग निकल जाऊँगा। तो बस यार आज के ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। बाकी बिहारी जी के यहाँ पर जब लाइन में घुसा ना यार, तो वो मतलब वो गर्मी गायब ही हो गई थी यार, पता नहीं कैसे। जब तक वो गली में घुसा नहीं था तब तक तो गर्मी ऐसी लग रही थी, जैसे वो गली में घुसा, आए हाय हाय। बाबा ने कहा कि भाई तू आया है, प्रभु ने कहा तू आया है तो बेटा ले तेरे लिए ठंडी ठंडी हवा कर देता हूँ मैं। तो चलिए आज के इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। होप सो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अब देखो भाई, ऐसा था कि पिछली बार जब मैं मथुरा वृंदावन आया था तो गोवर्धन पर्वत की कोई बाउंड्री नहीं थी, और उस टाइम पर व्लॉगिंग करता नहीं था, बहुत पुरानी बात है, 2010-2011 की बात है, और मैं पूरा गोवर्धन पर्वत तक गया था, आराम से सब कुछ देख के आया था। पर अब सब कुछ चेंज कर दिया यार उन लोगों ने, जनता की सुविधा के लिए ही है, और धरोहर जो है अपनी उनको बचाना भी है। तो चलिए आज के इस ब्लॉग का ही एंड करते हैं। ध्यान रखिएगा, एक्सेल योर वरीज, एक्सेल योर सैडनेस, एंड इनहेल द हैप्पीनेस। जय हिंद।